भोलू अपनी पत्नी बसंती के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। भोलू और बसंती अपने खेतों में हरी सब्जियां लगाया करते थे, जिससे कि उनका खर्चा निकल ही जाया करता था। एक रोज देर शाम भोलू खेत से लौट रहा होता है, तभी भोलू को सेठ ध्यानचंद मिलता है। अरे भोलू, क्या हाल है? आजकल तू अपनी सब्जियों की खेती के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ सेठ जी, अब क्या करूँ? अब मेहनत नहीं करूँगा तो एक वक्त की रोटी के लिए भी आफत आ जाएगी, आप तो जानते ही हैं। वो मैं तो ये कह रहा था कि इस महीने तूने खेती का पैसा नहीं दिया। देख भोलू, अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझसे खेत लेकर धन्नो को दे दूंगा। वो भी मुझसे तेरे खेत की बात करने आई थी। कौन? वो जग्गू की बीबी? वो क्या करेगी खेत में? अपनी सुंदरता को धन्नो गिराएगी क्या खेत में? उसे अब बता देना, खेती सुंदरता नहीं मेहनत देखती है। अरे भोलू, तेरी बात ठीक है, लेकिन महीने के महीने खेत का पैसा दे दिया कर, तो मैं और किसी से खेत के बारे में बात ही नहीं करूँगा। सेठ जी, कल शाम तक मैं आपको पैसे पहुँचा दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी मैं चलता हूँ, रात के खाने के लिए मुझे राशन भी लाना होगा। अरे हाँ हाँ भोलू, कल जब मेरे पैसे देने घर आना तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, समझा ना? मैं तुझे और खेत देने की सोच रहा हूँ, सच में तू बहुत मेहनती है। बस सेठ जी, आपका प्यार और आशीर्वाद ही है जो आगे ले जा रहा है। सेठ इतना बोलकर अपनी साइकिल लिए खेत के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में साइकिल से अपने घर जाते हुए खुद से कहता हुआ घर की तरफ जा रहा होता है। कल इसे जैसे भी मैं वो गुफा के पास वाला खेत दे दूंगा, भले ही इसके कम पैसे आए, लेकिन उस खेत को पूरे गांव में अगर कोई ले सकता है तो वो है ये मूर्ख भोलू। सेठ जिस खेत की बात कर रहा होता है, दरअसल उस खेत के पास एक गुफा थी जिसे सब भूतिया गुफा कहा करते थे, और यही वजह है कि कोई भी सेठ की गुफा के पास वाले खेत पर नहीं जाना चाहता था और न ही उसे लेना चाहता था। लेकिन सेठ चाहता था कि वो गुफा के पास वाले खेत को भोलू खरीद ले और उसमें सब्जियां बोए। अरे बसंती, कहाँ हो? लो मैं आ गया, खेत से कुछ हरी सब्जियां तोड़कर लाया हूँ और राशन भी। जी मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, लाइए दीजिए, मैं खाना बना लूं, वरना खाना बनाने में भी रात हो जाएगी। और हाँ बसंती, कल जो पैसे मैंने तुझे रखने के लिए दिए थे वो मुझे कल सुबह दे देना। खेत में जाने से पहले मैं वो पैसे सेठ जी तक पहुँचा दूंगा, वरना वो भी खर्च हो जाएगा। हाँ ये तो है, मैं आपको कल सुबह ही खेत में जाने से पहले वो पैसे दे दूंगी, अब तो ठीक है ना? अब अगले रोज सुबह भोलू खेतों के लिए निकलने से पहले अपनी पत्नी बसंती से पैसा लेता हुआ सेठ के पास पहुंचता है, और सेठ भी खाना खाने में लगा हुआ था। अरे सेठ जी, अभी तो आप खाना ही खा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं भोलू, खाना तो होता ही रहेगा, लेकिन तेरा काम बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्या काम है सेठ जी मुझसे? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे सेठ जी, अब से मैं पैसे समय पर ही दूंगा, अब तो खुश ना? अरे नहीं नहीं भोलू, तुझसे भला कोई गलती हो सकती है क्या? तुम तो जितने ईमानदार हो उतने ही मेहनती भी। जी सेठ जी, आप खाना खाइए, मैं आपका इंतजार कर लेता हूँ। कुछ समय के बाद ही सेठ खाने के बाद भोलू को अपने पास बुलाता है और भोलू कहता है, अरे मालिक, घर से खा पी कर आया हूँ, आप ये पैसे ले लीजिए, यही आपको देने आया हूँ, अब मैं चलता हूँ सेठ जी, मुझे खेतों में जाने में लेट हो रहा है। अरे भोलू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है, बैठो दो मिनट, चले जाना खेत में। हाँ हाँ सेठ जी, बताइए ना, आपको मुझसे कोई जरूरी काम है क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरी काम तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब तू इतनी मेहनत करता ही है तो
तो थोड़ी सी मेहनत और करके अपनी झोपड़ी को महल बना ले। सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें गुफा के पास वाली खेती दे रहा हूँ, जिसे मैंने काफी समय से किसी को नहीं दिया, और तुम जानते हो उसमें फसल अच्छी होती है। लेकिन सेठ जी, मैंने तो वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, मुझे तो गुफा के पास जाने में भी डर लगता है लोगों की बात सुनकर। भोलू, मैं तो एक तुझे ही पूरे गांव में बहादुर समझता था, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। ठीक है सेठ जी, आपको लगता है मैं उस खेत में अच्छी फसल उगा लूंगा तो मैं तैयार हूँ आपके खेत को लेने के लिए, लेकिन मैं उसके कम पैसे दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। तू जितने पैसे देगा मैं खुशी खुशी रख लूंगा, तो मैं समझू ना कि अपनी डील पक्की। बस आप अगले महीने का इंतजार कीजिएगा सेठ जी। हाँ हाँ, चल अब जा, तुझे भी खेत के लिए लेट हो रहा होगा। अब जैसे ही भोलू उस खेत में हल चलवाता है, ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि भोलू ने गुफा के पास वाली भूतिया जमीन को खरीद लिया है। ये सुनकर हर कोई हैरान था। एक रोज भोलू खेत में काम कर रहा था, तभी जग्गू और धन्नू अपने खेत में जा रहे होते हैं और भोलू को देखकर कहते हैं, अरे ओ भाई साहब, एक का सुन रहे हैं हम, गुफा के पास वाली जमीन को खेती के लिए लिया है क्या आपने? लेकिन वो तो भूतिया चुड़ैल राक्षस तक की है, उमे आप काहे घुस रहे हैं? अरे धन्नो भाभी, कभी डर लगेगा तो आपको बुला लूंगा, आप चिंता क्यों करती हो? अरे ना 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 दैया रे दैया, मैं कहा मेरा तो साया भी उस गुफा के पास ना जाए। सुना है वो गुफा रहस्य से भरा हुआ है, उसमें खजाना भी है भोलू भैया। अरे सुना तो हमने भी यही है कि उस गुफा में ढेर सारा खजाना है, लेकिन आज तक उस मुई गुफा में जो भी गया है ना, वो वापस लौट कर नहीं आया है, और वैसे भी बांस से तो ढकी हुई गुफा है वो, कौन ही जाएगा उसमें? वैसे खजाने के अलावा कुछ खाने पीने की भी चीज मिलती है क्या? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो उस गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। अरे ना ना, हमको बड़ी जवानी में विधवा ना ही होना है। धन्नो और जग्गू तो वहाँ से खेत की तरफ चले जाते हैं, लेकिन खाने से जग्गू के मन में लालच आने लगता है और वो अपनी पत्नी को खेत में काम करते छोड़कर गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ओ जी, कहाँ को हो लिए, आपको कितनी बार मना किया है, आप भूत या गुफा की तरफ ना ही देखो, वही अच्छा रहेगा, वरना तो कभी कभी हमको लगता है कि वो गुफा हमको भी बुला रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं जी खाने के लालच में उस गुफा में, अरे उमें राक्षस रहता है राक्षस, आज तो ये आदमी हमको विधवा करके ही मानेगा। अरे सुनिए तो बहरे भट्ट की औलाद, इनकी ये खाने की आदत किसी दिन मुझे जरूर मरवा देगी। जग्गू धन्नू की एक भी बात नहीं सुनता और गुफा की तरफ बढ़ता चला जाता है, और आखिरकार जग्गू गुफा में प्रवेश कर ही जाता है। अरे सत्यानाश हो इनका, अब तो मैं पक्का विधवा हो जाऊंगी। अरे भोलू भाई साहब, मेरे पति को बचाइए ना, वो उस मुई गुफा में चले गए। क्या सच में जग्गू उस गुफा में गया है? रुको, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। अब जैसे ही भोलू उस गुफा में जाता है, वो देखता है चारों तरफ सोने चांदी हीरे भरे हुए थे, लेकिन उन पर सांप बैठा हुआ था, और जग्गू तो एक आईने में बैठा तरह तरह की पकवान खा रहा था। अरे जग्गू, तुम उस शीशे में कैसे गए, मुझे तुम आसपास दिख क्यों नहीं रहे हो? अरे जग्गू बाहर तो आओ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, हे नाग देवता, मैं तो बस अपने दोस्त को लेने आया हूँ। भोलू ये बोलता है तभी नाग खजाने से हट जाते हैं, लेकिन जग्गू अभी भी शीशे में ही कैद था। मुझे तो गुफा और इसका रहस्य बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं लालच की वजह से इंसान इसमें कैद तो नहीं हो जाते, और जग्गू को तो बस एक ही चीज का लालच है, और वो है उसका खाना। भोलू कितनी भी कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जाता,
कुछ समय बाद भोलू बाहर आ जाता है। अरे भाई साहब, कहाँ हैं जग्गू जी? वो बाहर का ही नहीं आए। कहीं आपके अंदर जाने से पहले उको मोटा काला राक्षस निगल तो नहीं गया? वो लालच की वजह से एक शीशे में कैद हो चुका है। ये गुफा आपकी मनचाही चीजों को पूरा करती है, बदले में ये आपको एक शीशे में कैद कर लेती है। इन गांव वालों को कहीं तुमने तो नहीं बुलाया ना? अरे हमने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया है, ताकि वो जग्गू को इस गुफा से निकाल सके। अब गांव वालों को भोलू सारी बात बताता है। तभी धन्नो के मन में अपने मेकअप के लिए लालच आने लगता है। अरे हमरे अंदर अपने मेकअप का लालच उभरने लगा है, हम भी इस जादुई शीशे में कैद हो जाऊंगी और लपालप मेकअप करूंगी। वो कहावत है ना कि अपने पति को बचाने के लिए एक पत्नी और यम महाराज भगवान से भी लड़ जात है। आज मैं वो करके दिखाऊंगी। अरे बहुत सारे खजाना लेकर बाहर आऊंगी। उसके बाद मेरे पास भी कोनो चीज की कमी नहीं रहेगी। चल धन्नो, हो जा शुरू। इतना सोचते ही धन्नो भी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है और सब हक्के बक्के धन्नो को देखते रह जाते हैं। अरे धन्नो, कहाँ जा रही हो? अंदर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। अरे धन्नो, मेरी बात सुनो। अरे बेटा, मेरा तो कोई नहीं है, रुक मुझे अंदर जाने दे। मुझे किस चीज का लालच आएगा अब इस उम्र के अंदर? मैं उन लोगों को छुड़ा कर लाती हूँ, मुझ पर यकीन रख। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा कोई? इस गुफा में मन में लालच लेकर जाना मतलब मौत को बुलाना, दोनों ही बराबर है। अब शांता जैसे ही अंदर जाती है, वो चारों तरफ सोना चांदी और हीरे देखकर हैरान रह जाती है और शांता के मन में लालच आ जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना चांदी हीरा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस छोटी सी गुफा में कितना कुछ है। बाहर तो ये बांस से ढकी हुई एक खंडर की तरह लगती थी, लेकिन अंदर से तो क्या ही कहने। अब शांता की नजर पास रखे आईने पर जाती है, जिसमें जग्गू खाना खा रहा था और धन्नो मेकअप करती हुई नजर आ रही थी। बस अब शांता भी कुछ देर बाद खुद को उन दोनों के बीच पाती है। दरअसल शांता को एक पल के लिए उस शीशे के अंदर अपनी जवान प्रतिमा नजर आई थी, जब वो अपने दिनों में जवान हुआ करती थी। और अपने आप को शीशे के अंदर जवान देखकर शांता के मन में भी लालच उभर आता है, जिस वजह से वो जैसे ही उस शीशे की तरफ देखती है उसमें कैद हो जाती है और खुद से कहती है, अरे सत्यानाश हो, मेरे मन में भी लालच आ गया और मैं इस शीशे में कैद हो चुकी हूँ। लेकिन अब हमें यहाँ से निकालेगा कौन? अरे यहाँ तो जिंदगी कितनी अच्छी है, जो चाहो सब मिल रहा है। अम्मा बाहर काहे जाना है, लाली लिपस्टिक लगाओ और मौज बनाओ। लेकिन मैं ये सोने चांदी लेकर क्या करूँगी? तुम लोगों को अंदर सोना चांदी और खाना तो मिला, लेकिन मैं तो जवान होने की लालसा से अंदर आई, और देखो अंदर तो मैं बूढ़ी ही आई हूँ ना। कैसे मंद बुद्धि पति पत्नी है ये, यहाँ फंस चुके हैं लेकिन तब भी कितनी मौज में है। अब भोलू दोबारा से गुफा में जाता है और नाग देवता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, नाग देवता, मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है, बस आप मेरे गांव वालों को इस शीशे से आजाद कर दो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ, लेकिन ये जो लोग अपने लालच के लिए यहाँ आए हैं, वो तो इस जादुई शीशे में भी बहुत खुश हैं। तुम अपना भी सोचो, मैं तुम्हें यहाँ से खजाना लेकर जाने दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये खजाना, मुझे तो अपने गांव वाले ही चाहिए जो कि गलती से यहाँ चले आए हैं। सच में एक नेक दिल इंसान हो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली पसंद आई। अरे अरे अरे, हम आजाद हो गए इस जादुई शीशे से। चलो चलो, जल्दी से बाहर निकलते हैं,
इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो जाए। जल्दी निकलो यहाँ से, लगता है गुफा का दरवाजा बंद होने वाला है। अरे जल्दी चलिए, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। उक्का है ना, आप यहाँ ना आते और ना मैं यहाँ आपको बचाने आती। अच्छा भला खेत में काम कर रही थी। ये बात अलग है कि हमारी थोड़ी ब्यूटी बन गई यहाँ का मेकअप लगाने से। अरे मैं तो कहती हूँ भोलू, इन दोनों पति पत्नी को यहीं छोड़ जाते हैं, ये वैसे भी गांव में किसी काम के नहीं है। हम पर कलंक है कलंक, जब देखो पटर पटर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और गांव वालों को भी मुसीबत में डालते हैं। इनको काहे अपने साथ लेकर जाना है। अरे सुनो जी, जल्दी से बाहर निकलो, पर नई ई अम्मा तो हमको पूरा प्लान बनवा के बैठी लगती है। अब तो हम दोनों को सच में फंसवा देंगे गुफा के अंदर। चलो चलो जल्दी। अब जैसे ही सब निकलते हैं, वैसे ही गुफा का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। जमीन से नई बांस अपने आप निकल कर आती है और गुफा को ढक देती है। सब भोलू की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही सालों से चल रही उस गुफा की राज का पर्दाफाश सबके सामने हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे जमीन में कंपन होती है और वो गुफा जमीन के अंदर समा जाती है, और उसके बाद वो बांस की रहस्यमयी गुफा कभी किसी को नजर नहीं आती और हमेशा के लिए हो जाती है। दोस्तों, वो गुफा हर किसी को अपने अंदर के लालच के बारे में बताती थी। अगर आप उस गुफा में जाते तो आपके मन में किस चीज का लालच आता, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। केशव अपनी पत्नी सुजाता और अपनी बूढ़ी माँ विमला के साथ रहा करता था। केशव और सुजाता की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन सुजाता अब तक माँ नहीं बन पाई थी। अरे बहू, अभी तक तेरे घर का काम नहीं हुआ, सुबह के 9 बजने आए हैं, तुझे खेत नहीं जाना क्या? अरे माँ मैं जा रहा हूँ, माला घर का काम कर लेगी, बस थोड़ी सी सब्जी तो तोड़नी है, बाकी की सब्जियाँ तो मैं शाम में ही तोड़ लाया था। तूने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा है, वरना मेरा बस चले तो मैं तो इसे कप का घर से निकाल कर तेरी दूसरी शादी करवा कर दूसरी बहू भी ले आऊं। बस माँ जी, मैं भी थोड़ी देर में इनके साथ खेत ही जा रही हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी घर में बैठ के कौन सा तू वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कर रही है, बांझ है बांझ ही रहेगी। माँ जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए, अड़ोसी पड़ोसी तो ये बोलते ही हैं। सुजाता को काफी समय से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसकी सास विमला उसे हर वक्त ताना दिया करती थी और केशव भी उसे कुछ ना कुछ बोल दिया करता था। सुजाता घर का काम करने के बाद खेतों के लिए निकलती है, तभी माला को रास्ते में बिजली मिलती है। अरे क्या बात है माला, सुबह सुबह खेतों में चल देती है, कभी आराम भी कर लिया कर। हाँ वैसे मैंने सुना है जिनके बच्चे नहीं होते उनमें काम करने की फुर्ती बहुत होती है। बिजली, अगर दोबारा मेरे माँ बनने पर सवाल उठाया तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। बोल तो ऐसे रही है जैसे सिर्फ मैं ही तेरे माँ ना बनने के बारे में जानती हूँ। अब तो तेरी सास भी तुझे ताने देने लगी है, और मोहल्ले वाले तो अब तेरा नाम भी नहीं लेते, उन्हें भी पता है, वो तो सिर्फ तुझे बांझ बुलाते हैं। बिजली, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना ही मारे तो उनके लिए अच्छा है। वैसे तू कहना क्या चाहती है, कि मैं भी तेरी तरह माँ नहीं बन सकती? अरे जा जा माला, तुझे क्या पता, मैंने अपने इस फिगर को इतना मेंटेन किया हुआ है, तभी तो मुझे अभी तक बच्चों की जरूरत नहीं है। माँ वही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, और तुझ में तो माँ बनने वाले कोई भी गुण नहीं है। तू मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा, देख लियो अगले साल तक मेरे आंगन में भी बच्चों की खिलकरियां गूंजेंगी,
अच्छी बात है, तो मैं चलती हूँ, मेरा समय यूँ जाया ना किया कर बिजली। इतना कहकर माया खेतों की तरफ चली जाती है। इधर बिजली माला को कोसते हुए अपने घर जाती है। इसे क्या मालूम फिगर क्या चीज होती है। कोई भी मुझे देख ले तो ये ना कहे कि मेरी शादी हो चुकी है। अरे अरे बिजली भाभी, क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतना कड़क क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं राजू भाई साहब, रामकिशन की पत्नी को कितनी बार कहा है, मेरे पति के बारे में चाहे लाख बुराई कर, उसे मोटा गेंडा भैंसा जो मर्जी कहना है कह ले, लेकिन मेरे फिगर पर उंगली ना उठाए। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा किया माला भाभी ने आपकी फिगर पर उंगली उठाकर। वही तो, मेरी पतली कमरिया देख लोग हाय हाय करते हैं और मेरी तिरछी देख लोग आहें भरते हैं। ये तो ठीक कह रही हो बिजली भाभी आप, वैसे आजकल गंगू भैया कहाँ रहते हैं? आप तो जानते ही हैं राजू भाई साहब, उनके दो ही काम है, एक खाना और उस खाने को निकालने के लिए खेत में जाना, बस उन दोनों में से कोई एक काम कर रहे होंगे। अरे भाभी उन्हें कहा कीजिए सुबह को टहलने जाएं, ऐसे में तो जितने आपके घर का एरिया नहीं है उससे ज्यादा तो उनका पेट बढ़ रहा है। मैं भी उनसे यही कहती हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझाए, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी माँ ने मुझे इनसे ब्याह दिया। हाँ, ये बात तो बिजली भाभी की एकदम सही है, लंगूर के हाथ में अंगूर। पिछली को हमेशा अपने फिगर की चिंता रहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसका पति गंगू हर वक्त खाने की चिंता करता रहता था। इधर माला खेतों में सब्जियां तोड़ने जाती है और माला को आते देख रामकिशन माला से कहता है, अरे आ गई तुम, चलो अच्छा ये आ गई हो तुम, अभी बाकी बची सब्जियां तोड़ो, मैं जा रहा हूँ राजू से मिलने। जी ठीक है, आप जाकर खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। सुबह से शाम हो जाए या रात, पूरी सब्जियां तोड़कर ही घर लौटना, वरना माँ मुझे ही सुनाएंगी। रामकिशन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माला भी सब्जियां तोड़ने में लग जाती है और सब्जियां तोड़ते तोड़ते कब शाम से रात हो जाती है माला को ये पता भी नहीं चलता। इधर माला को शाम की दिया बत्ती की चिंता सता रही होती है। शाम से रात होने को आई है, लेकिन उन्हें एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं खुद देखने आऊं। लगता है मुझे खुद ही सब्जियां लेकर घर पहुंचना होगा। इतना कहकर माला टूटी हुई सब्जियों को टोकरी में रखती है और घर के लिए निकल पड़ती है। और घर पहुंचकर देखती है तो घर में अंधेरा होता है, किसी ने दिया बाती तक नहीं किया होता। हे सियाराम, मुझे माफ करना, आज दिया बाती में मुझे थोड़ा विलंब हो गया। अब जैसे ही माला दिया बाती करने जाती है, मोहल्ले से घूम फिर कर शांता घर आती है और घर में अंधेरा देखकर माला को सुनाने लगती है, राम राम, अब तक इस औरत से घर में जोत बत्ती भी नहीं की गई, वैसे ही इसकी पूजा पाठ से भगवान खुश नहीं रहे, ना ही इसे कोई संतान दे रहे हैं, तब भी इस औरत में शर्म तो बची ही नहीं। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अभी अभी घर आई हूँ। आज तो तूने बड़ा काम कर लिया ये बताना चाह रही है? इतना काम तो मैं रोज ही करती थी जब मैं तेरी उम्र की थी। माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आज मैं बहुत काम करके आई हूँ? मैं तो बस बता रही थी कि मैं अभी अभी घर आई हूँ और दिया बत्ती करने ही जा रही थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, तू ही तो है जो इस घर को चला रही है बिना हमारे वंश को आगे बढ़ाए, बांझ कही थी। इतना कहकर शांता फिर से घर के बाहर चली जाती है और माला माता सीता और भगवान राम के आगे जोत बत्ती करने लगती है। हे माँ सीते, मेरी सूनी को भर दो, अब तो मुझे मोहल्ले वाले भी बांझ कहने लगे हैं, मुझसे ये कड़वे शब्द सुने नहीं जाते।
माला ना तो अपने पति और ना ही अपनी सास शांता से कुछ भी कहती थी, क्योंकि वो बहुत ही सीधी थी। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। माला की सास शांता माला से दिन रात बहुत काम करवाया करती थी, लेकिन माला अपनी सास को एक शब्द भी नहीं कहती। इधर दिवाली का दिन भी नजदीक आ रहा होता है और दिवाली वाले दिन ही शांता हद कर देती है। अभी सुबह के 3 बजे हैं और इस औरत को कहती हूँ खेत में जाकर सब्जी तोड़े, वरना मेरा लड़का बेटा पूरे दिन खेत में सब्जी तोड़ेगा। मुझे उस पर बहुत दया आती है, एक तो बेचारा अब तक बाप के सुख से वंचित है। अरे बहू, सुनती क्यों नहीं, उठ जा, सुबह के 3 बज रहे हैं, आज खेत की सारी सब्जियां तुझे ही तोड़नी है। दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन है और घर की लक्ष्मी सुबह जल्दी उठेगी तो ही तो घर में लक्ष्मी आएगी, इसीलिए जल्दी उठा रही हूँ ताकि 8 बजे तक तू पूरी सब्जियां तोड़कर वापस आ जाए। माँ, मुझे सोने दीजिए, मैं शाम में सब्जियां तोड़कर लाई थी तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्यार से कह रही हूँ तो मान जा, वरना मुझे तो लगता है तुझ पर पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर तू उठेगी। माला बेचारी भी क्या करती, वो उठकर बैठ जाती है और अपने सर पर टोकरा लिए अपने घर से निकल जाती है। माँ जी ना जाने क्या चाहती हैं, मुझे तो यहाँ डर भी लग रहा है। माला अब खेतों में पहुँचती है और लालटेन के सहारे सब्जियां तोड़ने लगती है। माला को नींद भी आ रही होती है, लेकिन वो सब्जियां तोड़ने में लगी हुई है। तभी माला को गंगू सुबह के 4 बजे खेतों में सब्जी तोड़ते देखता है। अरे सुबह सुबह माला भाभी खेतों में सब्जियां तोड़ रही है, लगता है रामकिशन भाई साहब को अच्छी कमाई हो रही है सब्जियों से। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो जोरों की आई है, अपना काम कर लेता हूँ पहले। अब माला सुबह के 7 बजे घर लौटती है और वो देखती है कि उसकी सास और उसका पति दोनों अभी तक सो रहे हैं। बेचारी माला घर का काम करती है, तभी माला के घर बिजली पहुंचती है। अरे रे, क्या बात है माला, आजकल तो तू खूब मेहनत करने लगी है। अभी अभी मेरे पति बता रहे थे कि तू सुबह 4 बजे खेत में थी। हाँ, वो मैं सब्जियां तोड़ने गई थी और अब भी आई हूँ, अब मैं घर के काम करूंगी। इसका मतलब तू खेतों में सब्जी तोड़ने गई थी तो लोगों को बताते गई है कि मेरी सास ने मुझे सुबह सुबह खेतों में भेज दिया। अरे तू तो अपने मन से गई थी ना, और अपनी सास को बदनाम कर रही है। अरे शांता काकी, चाहे माला को खेत में आपने भेजा हो या माला खुद से गई हो, लेकिन काम तो आप लोगों का ही हुआ है ना, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। अरे बिजली, तू जानती नहीं है मेरी बहू को, मैं तो उसे रानी बना कर रखती हूँ, रानी, भले ही ये मेरे कुल को आगे नहीं बढ़ा रही है। हाँ शांता काकी, इस बात का दुख तो मुझे भी बहुत है, तभी तो आप सूखती जा रही हैं। अरे बिजली, क्या बताऊं, जहाँ 3 टाइम का खाना खाती थी, अब 1 समय की रोटी भी सही से नहीं खाई जाती। कुछ भी कह लो, बुढ़िया का काम नौटंकी से कम नहीं है, जब देखो तब इसका मुंह चलता रहता है और कहती है 1 समय का भी खाना नहीं खाती हूँ। मुझे तो पता है बेचारी माला पर ये बुढ़िया कितना जुल्म करती है। बिजली तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद रामकिशन खेतों से आता है तो वो अपनी माँ शांता से कहता है, माँ सब बर्बाद हो गया, सब खेतों में टमाटर, मिर्च, बैंगन और जितनी भी हरी सब्जियाँ थी उनमें किसी ने अपनी गाय भैंस चरा दी है। ये तू क्या कह रहा है रामकिशन, तुझे पता भी है खेतों में हरी सब्जियों की फसल के लिए सेठ करोड़ इमल से कितना कर्ज लेके सब्जियों की खेती की है। आज मैंने इस कलमुखी को खेत में भेजा था, जरूर इसी ने कुछ किया होगा।
इधर माला घर का काम करने के बाद पूजा करने के लिए बैठी ही होती है, तभी शांता माला के हाथों से पूजा की थाली छीन लेती है। क्यों री, तू चाहती क्या है? क्यों मेरे बेटे और मेरे घर के पीछे पड़ी है? तेरे इस पूजा पाठ से घर में रत्ती भर भी सुख शांति नहीं आती। माला बोल, क्या किया है तूने खेतों में? माने तुझे सब्जियां तोड़ने के लिए खेतों में भेजा था ना, और तूने सब बर्बाद कर दिया। इतना बोलकर शांता माला के बाल पकड़ लेती है और उसे खींचती हुई काफी दूर तक ले आती है। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। राम किशन, जाकर देखो कौन आया है। उसे दरवाजे से ही लौटा दियो, आज तो इसकी खैर नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी उन्हें लौटा देता हूँ। राम किशन बाहर आता है तो देखता है उसके दरवाजे पर एक साधु के साथ एक महिला भी खड़ी है, जो उससे भीख मांगते हैं। अरे अरे जाइए, यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि आज दिवाली वाले इतने शुभ दिन पर हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, माफ कीजिए हमें। राम किशन इतना बोलकर उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। और इधर शांता ना सिर्फ माला को मार रही होती है, बल्कि उसे खरी खोटी भी सुना रही होती है। तभी एक और बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और इस बार शांता खुद दरवाजा खोलती है। हाथ जोड़कर हमें माफ कीजिए और यहाँ से चले जाइए, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। इस परेशानी का समाधान करने आया हूँ माते, क्या मैं घर में आ सकता हूँ? जी नहीं, अभी हमारे परिवार में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हमें माफ कीजिए और हमारा पीछा छोड़ दीजिए, गांव में और भी घर है, वहाँ चले जाइए। शांता साधु से ये कह ही रही होती है, तभी साधु और वो महिला घर में प्रवेश कर जाते हैं। और घर में प्रवेश करते ही घर के चारों तरफ दिए जगमगा उठते हैं। साधु भगवान राम के रूप में बदल जाता है और वो महिला माता सीता के रूप में बदल जाती है। ये देखकर राम किशन और शांता हैरान रह जाते हैं। और जब रो रही माला भगवान राम और माता सीता को अपने घर में देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। साक्षात भगवान खुद हमारे घर चल कर आए हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हे राम सिया। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु, आप साक्षात मेरे द्वारे पधारे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उठो माला, नारी कभी कमजोर नहीं होती, बल्कि उसे कमजोर बनाया जाता है। खासकर एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। माँ सीते, मुझे माफ करना, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे अपनी बहू की भक्ति की शक्ति का अंदाजा नहीं था। माला, हम तुम्हारी भक्ति से खुश हुए, अब से तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगी, ना ही तुम्हारे परिवार वाले तुम पर अत्याचार करेंगे, और तुम्हें आज के बाद से धन समृद्धि वैभव किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। हाँ माला, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सूनी कोक भी जल्द भरेगी। इतना कहकर माता सीता और भगवान राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शांता अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर रोती रह जाती है, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। और राम किशन को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ कितना गलत कर चुका है।